वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड सम तक सम किए थे, तो आज हम थर्ड सम कर रहे हैं। ऑब्टेंड ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज गिवन 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड माइनस 1। व्हाट वी सी हियर, इट्स डिग्री इज 4, तो इट मीन्स इट हैज 4 जीरोस। लेकिन हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, इट हैज 4 जीरोस एंड 2 जीरोस आर गिवन, 5/3 रूट एंड 5/3 रूट नेगेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी पॉलीनोमियल की कोई जीरो इरेशनल फॉर्म में होती है, यानी कि रूट के अंदर आती है, इरेशनल फॉर्म में कभी भी कोई जीरो अकेली नहीं आती, वो हमेशा पेयरिंग में ही आती हैं। जैसे इसी का नेगेटिव और इसी का पॉजिटिव दोनों के दोनों जीरो हैं। अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि पी एक्स इज एनी पॉलीनोमियल और अगर इसका रूट टू अगर इसकी जीरो है, तो उसके साथ साथ माइनस 2 रूट भी उसकी जीरो आएगी आएगी। अकेली रूट टू या अकेली नेगेटिव रूट टू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कोई भी स्केयर रूट वाली टर्म, यानी कि इरेशनल फॉर्म में जब किसी भी पॉलीनोमियल की जीरोज आती हैं, वो हमेशा पेयरिंग में आती हैं। ये दोनों इकट्ठी आएंगी, कभी अकेली जीरो नहीं आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे तो आपको गिवन है कि ये पॉलीनोमियल की ये जीरो दोनों हैं। अगर सपोज कीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि उसमें अकेली 5/3 रूट ये जीरो गिवन है या अकेली रूट टू गिवन जीरो, तो ये अंडरस्टूड है कि उसका नेगेटिव भी उसका जीरो होगा ही होगा। सो अगर आपको जैसे 4 डिग्री की इक्वेशन है और 0 1 गिवन है और वो इरेशनल फॉर्म में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी जीरो उसी का नेगेटिव लेके ले सकते हैं। और 2 जीरोज अगर आपके पास हैं, तो रिमेनिंग 2 जीरोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, इसके बाद हम वो एग्जाम्पल भी करेंगे। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन हियर। 5/3 रूट एंड 5/3 रूट का नेगेटिव, ये दो जीरोस गिवन है। अगर हम इन दोनों से पॉलीनोमियल बना लेते हैं, तो वो इस पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि इट हैज 4 जीरोस, 2 जीरोस तो वही है। इन 2 जीरो से अगर हम कोई पॉलीनोमियल बनाएंगे, तो वो पॉलीनोमियल इस पॉलीनोमियल का, गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। तो इट मीन्स हम इन दोनों से पॉलीनोमियल क्रिएट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे गिवन पॉलीनोमियल को, तो जो इसका क्वोशेंट आएगा 2 जीरोज उसके अंदर आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम फाइंड आउट करते हैं गिवन जीरोज क्या है हमारे पास। 5/3 रूट एंड माइनस 5/3 रूट। सो लेट्स फाइंड द पॉलीनोमियल ऑफ दिस 2 जीरोज। सो फॉर दैट एस इज रिक्वायर्ड, मींस सम ऑफ जीरोज, दैट इज 5/3 रूट प्लस माइनस 5/3 रूट, दैट इज इक्वल टू 0। सो एस की वैल्यू आ जाती है हमारी 0। नाउ प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे हम, 5/√3 को माइनस 5/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट माइनस 5/√3। सो नाउ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल का हमने एक फॉर्मूला किया हुआ x² माइनस sx प्लस p। अगर यहाँ पे s और p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो पॉलीनोमियल हमारी क्रिएट हो जाएगी। सो लीजिए x² माइनस s की वैल्यू 0 है, 0x प्लस p, p की वैल्यू हमारे पास माइनस 5/√3। तो हमारे पास पॉलीनोमियल आती है, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 5/3। सो दिस इज द पॉलीनोमियल। सो दिस पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। तो ये पॉलीनोमियल हमारी गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर है। सो लेट्स डिवाइड गिवन पॉलीनोमियल बाय दिस पॉलीनोमियल। तो हम गिवन पॉलीनोमियल को इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले आप यहां देखते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन फॉर्म में खत्म कर सकते हैं। सो 3x² माइनस 5। सो इस पॉलीनोमियल से हम डिवाइड करते हैं। सो 3x² माइनस 5 एंड व्हाट इज द गिवन पॉलीनोमियल, दैट इज
थ्री एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड माइनस 5। सो हमें अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोशेंट जो मिलेगा, जो गिवन टू जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल की हैं, लेकिन रिमेनिंग टू जीरोज इस कोशेंट में मिलेंगे हमें। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। सो डिवीजन तो हमने पिछली वीडियो में किया ही था। सो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, बोथ आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, इसकी फर्स्ट टर्म को डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट की फर्स्ट टर्म मिलती है। सो 3x रेज टू पावर 4 को आप 3x² से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट x²। सो x² इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अवर कोशेंट। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x रेज टू पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x², ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ x³ है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, चीज कैंसिल। तो 6x³ और प्लस 3x² माइनस 10x एंड माइनस 5। तो अब आगे डिवाइड करने के लिए फिर इसको चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म को, इसकी फर्स्ट टर्म से यानी कि 6x³ को आप 3x² से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2x। सो 2x इज द सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट, दैट इज 6x³ माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x आएगा और लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, तो ये दोनों के दोनों टर्म कैंसिल हो जाती हैं और बचेगा हमारे पास 3x² माइनस 5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको डिवाइड करते हैं तो आप वैसे ही देख लीजिए कि सेम बचा पड़ा है। जो हमारा इस टाइम रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर के सेम इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि 1 कोशेंट का पार्ट आएगा और हम करते हैं 3x² माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी कैंसिल 0। सो दिस इज द कोशेंट। सो इट मीन्स रिमेनिंग टू जीरोज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। सो दिस इज अवर गिवन पॉलिनोमियल 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5, जो हमारा डिवाइजर था जो हमने पॉलिनोमियल गिवन 0 से फाइंड आउट किया था। सो हमारा कोशेंट क्या आया, x² प्लस 2x एंड प्लस 1। सो गिवन टू जीरोस तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं और रिमेनिंग टू जीरोस हमारी इस जीरो की पॉलिनोमियल है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम पुट करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो मिडिल टर्म सब्लिट करते हैं, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हम x कॉमन लेते हैं पेयरिंग करके, तो x प्लस 1 बचता है, इसमें से कुछ भी कॉमन टर्म नहीं आ रहा, तो हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस ब्रैकेट इज द सेम एंड दैट इज कॉमन फैक्टर, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। सो दीज आर द रिमेनिंग टू 0। सो माइनस 1 एंड माइनस 1 आर रिमेनिंग जीरो। सो हमने ऑल जीरो फाइंड आउट करनी थी, दो जीरो तो हमें गिवन ही थी, सो इट मीन्स वी कैन से दैट कि 5/√3 माइनस 5/√3 माइनस 1 एंड माइनस 1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ का एक एग्जाम्पल भी है, तो अब एग्जाम्पल करते हैं। So this is our example, example number 9 from your book. Find all zeros of 2x raised to power 4 minus 3x³ minus 3x² plus 6x and minus 2. So this is the given polynomial and it has a 4 degree. Iski degree 4 hai, so it means it has 4 zeros. If you know that ki 2 of its zeros, ki aap iski 2 zeros aapko given hai, root 2 and minus root 2. Jaisa ki maine aapko bataya tha ki ye hamesha pairing mein hoti hain, same होंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। इन इरेशनल फॉर्म, इरेशनल फॉर्म में जब भी किसी पॉलिनोमियल में कोई एक जीरो आएगी तो उसका नेगेटिव भी उसी की जीरो एग्जिस्ट करेगा करेगा,
कभी अकेला नहीं हो सकता। सो पिछले की तरह इन दोनों से हम एक पॉलोमियल फाइंड आउट करेंगे, वो इस गिवन पॉलोमियल का फैक्टर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। एस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस मींस रूट टू प्लस माइनस रूट टू, दैट इज जीरो। सो एस हमारा आ गया जीरो। नाउ पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट्स रूट टू इंटू माइनस रूट टू, दैट्स माइनस टू। सो पी की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस टू। नाउ पोलोमियल, सो पोलोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स एंड माइनस टू। सो एक्स स्क्वायर ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, सो माइनस टू इज द पोलोमियल फ्रॉम गिवन जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू हमारे पास गिवन जीरोस की पोलोमियल आती है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे डिवाइड करेंगे गिवन पोलोमियल को। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम डिवाइड करते हैं, हमारी गिवन पोलोमियल जो है वो टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स एंड माइनस टू। बोथ आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं, जो कि हमें कोशेंट की फर्स्ट टर्म मिलेगी। सो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट टू एक्स स्क्वायर। सो टू एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अवर कोशेंट। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स रेज टू पावर फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्यूब वाली टर्म नहीं आएगी, थ्री पावर नहीं आएगी। सो हम इसके नीचे ना लिखकर इसको लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, देन वी गेट माइनस फोर एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, माइनस थ्री एक्स क्यूब, और यहाँ बचता है हमारे पास ओनली एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। सो अब फिर देखते हैं आगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट माइनस थ्री एक्स। सो माइनस थ्री एक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर को, देन वी गेट थ्री एक्स क्यूब, इसको करेंगे तो प्लस सिक्स एक्स आएगा हमारे पास। सो फिर इसे डिवाइड करने सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब आप देखते हैं कि सेम चीज़ आ गई है, सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस प्रकार थर्ड टर्म फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें पता चल गया कि वन इसका जो है थर्ड टर्म ऑफ द कोशेंट होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू, सो दिस इज द कोशेंट। ये कोशेंट वो कोशेंट है, वो पोलोमियल है जिसमें रिमेनिंग टू जीरोज हमें मिलेंगी। सो अगेन देखिए कि टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, जो गिवन पोलोमियल था उसके दो फैक्टर हो गए हैं। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस टू जिससे हमने डिवाइड किया, जो पोलोमियल हमने गिवन जीरो से फाइंड आउट किया, और दूसरा आता है हमारा कोशेंट हमने डिवाइड करके जो फाइंड आउट किया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम पुट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सॉल्व इट। सो इसकी मिडल टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पेयरिंग करके हम इनमें से कॉमन फैक्टर जो भी मिलेगा हम लेंगे। यहाँ पे 2x कॉमन फैक्टर आता है तो x माइनस 1, माइनस वन ही आएगा तो एक्स माइनस वन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन है तो ब्रैकेट लगाते समय और ओपन करते समय दोनों समय ही आपको अंदर के साइन चेंज करने पड़ते हैं। सो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज कर दिया हमने। तो अब ये कॉमन ब्रैकेट सेम आ गई है तो हम इसको बाहर ले लेंगे और अंदर रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमें दोनों रिमेनिंग जीरोज मिल जाएंगी। एक्स माइनस वन को अगर हम जीरो पुट करते हैं देन वी गेट एक्स इक्वल टू वन, अगर हम टू एक्स माइनस वन को जीरो पुट करेंगे तो वी गेट एक्स इक्वल टू वन बाय टू। सो वी कैन से दैट कि रूट टू माइनस रूट टू, ये हमारी दो गिवन जीरोज थी और जो हमने फाइंड आउट की वो वन एंड वन बाय टू आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलोमियल। तो हमारी गिवन पॉलोमियल की जीरो से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए कीजिए और
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।